destination will be on the left. Sandia Peak Tramway, Jam 3 में आपका स्वागत है. अपनी गाड़ी को कहीं भी पार्क ना करें. उचित स्थान पर ही गाड़ी पार्क करें. हेलो दोस्तों, अब मैं आपको लेके आया हूँ सैंडिया पीक ट्रैमवे पे. सैंडिया पीक जो हैं वो पीक्स हैं सैंडिया माउंटेंस की. ये सैंडिया माउंटेंस जो पढ़ते हैं ये हैं अल्बकर्क की जो शहर है न्यू मैक्सिको का, वहाँ पे है. और उसमें एक सैंडिया पीक ट्रैमवे के नाम से एक रोप वे कह सकते हैं, एक ट्रॉली जो जाती है तारों पर, जैसे आपने देखी होगी कई जगह इंडिया में भी, तो उस जगह का ये ट्रैमवे है. यहाँ पे हम आए हैं, ये आपको मैं सामने दिखाता हूँ. ये है वो ट्रैमवे. इस ट्रैमवे की ख़ास बात ये है कि ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ट्रैमवे है. और 2010 तक तो ये दुनिया का सबसे लंबा ट्रैमवे था. इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है. और इसकी जो एक और ख़ास बात है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, जो एक और ख़ास बात है कि ये सिर्फ 2 पिलर्स पर टिका हुआ है. मतलब 4 किलोमीटर के इस पूरे ट्रैमवे में सिर्फ 2 पिलर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ से. और 2 पिलर्स मेंशन भी किए हैं इन्होंने अपनी वेबसाइट पे. जो जो रफ्तार है मैं बताऊँ आपको, इस ट्रैमवे की जो जाने की रफ्तार है वो लगभग 22 किलोमीटर पर आवर की है. और 15 मिनट में ये पूरी अपनी दूरी तय कर लेता है, जहाँ से शुरू होता है या कह सकते हैं ज़मीन से या कहें नीचे से टॉप तक की दूरी ये 15 मिनट में तय कर लेता है. इसकी जो शुरुआत कहें या इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो 1966 में हुई थी. और कोई बेल कंपनी थी स्विट्ज़रलैंड की जिसने इस ट्रैमवे को बनाया था. तो और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके बारे में जो मुझे पता चलती हैं, तो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा. उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे. अब हम बढ़ रहे हैं आगे. जहाँ से एंट्री है, $25 का इसका टिकट है ट्रैमवे का एक लोगों का, और टैक्स वैक्स लगा के ये लगभग $30 पड़ा. सैंडिया पीक ट्रैमवे, ये है बोर्डिंग एरिया. यहाँ से हमें बोर्ड करना है, लेकिन उससे पहले इस लाइन में लगना है, उसके बाद जा पाएंगे. ओह माय गॉड, बहुत लंबी लाइन है. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं ट्रैम पे चलने के लिए. We are ready to board. ट्रैम के अंदर चढ़ने के लिए तैयार हैं हम लोग. कोविड की वजह से इसको थोड़ा सैनिटाइज कर रहे हैं, वाइप कर रहे हैं अंदर, सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए. जितने भी पाइप्स हैं पकड़ने के लिए, ये सब हैंडल हैं, ये सब को क्लीन कर रहे हैं. Watch your step as you enter the cabin. The cabin. ट्रैम चलने के लिए तैयार है. एंट्रिंग सिबोला नेशनल फॉरेस्ट. हम लोग जा रहे हैं सिबोला नेशनल फॉरेस्ट के अंदर खड़े. ये सिबोला नेशनल फॉरेस्ट का एरिया है. ये टावर 1 है, इसके बाद टावर नंबर 2 है. Oh God. एक अजीब तरीके की फीलिंग है, झूला झूलने जैसा ही है. झरना
बारिश के दिनों में झरना बहता है यहाँ से। टावर टू की तरफ पहुँच रहे हैं, ये दूसरा टावर है इस पूरे रास्ते में। झूले की तरह हिल रही है कोई ड्रम, क्या हाइट है, हाल खराब है। Oh my God. The exact point, but it's going to be 960 feet. But before then, why don't we go ahead and take another tram is coming, guys. The cabin passing next to us. सच में बहुत अद्भुत है, बहुत बड़ा है, बहुत लंबा रास्ता लग रहा है 4 किलोमीटर का। ये है, यहाँ से हम आए हैं, 4 किलोमीटर तक पूरी दूरी तय की है और ये शहर पूरा दिख रहा है अल्बकर्की। सैंडिया पीक पे पहुँच गए हैं, थोड़ा घूमेंगे, खाएंगे पियेंगे, फिर जाएंगे वापस। थैंक यू। ये है ऑब्जर्वेशन डेस्क, नीचे से आ रही है ऊपर। हम वहीं से आए हैं, 10,500 फीट की ऊंचाई है लगभग। गाइस ये है स्की एरिया, और जब बर्फ़ गिरती है सर्दियों में तो यहाँ पे लोग स्कीइंग करते हैं, बर्फ़ पे फिसलते हैं, आपने देखा होगा। तो ये पूरा नीचे तक इन्होंने पूरा काट रखा है पेड़ों को, और उस तरीके से मैदान सा ढलान के साथ जो है बना रखा है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो लोग यहाँ पे आते हैं और मज़े लेते हैं स्कीइंग के। ये देखिए छोटे छोटे से झूले नुमा बना रखे हैं, चेयर लिफ्ट कैबिन है ये, बंद है, और इस पर लोग कुर्सी में बैठ के, दो लोग एक कुर्सी में बैठ के जाते हैं नीचे। काफ़ी मज़ेदार लगता होगा जब बर्फ़ गिरती होगी सर्दियों में, तो जो लोग स्कीइंग करने आते हैं वो इसका भी मज़ा लेते हैं। दिस इज ला लूज ट्रेल गाइस, जिस पे हम जाए सैंडिया माउंटेन्स। खतरनाक रास्तों से होता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शूट करने के साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि मैं अपने कदम कहाँ रख रहा हूँ। ओह माय गॉड, बहुत ऊंचाई पर हैं भाई, और ये ट्रेल बहुत मज़ेदार लग रही है। हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे,
दो माइल्स की ट्रेल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। ओह माय गॉड, ऊंचे नीचे रास्ते और एक तरफ खाई है दूसरी तरफ पहाड़। इसलिए संभलते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हम ज़्यादा दूर नहीं गए और वापस आ गए। इस ट्रेल के लिए काफ़ी थकाने वाला है ये। हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, फ्लैगिंग देखते हैं क्या है। हेलो सर, मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह से जाके बहुत ही खतरनाक है ये। ओ माय गॉड, यहाँ से सीधे सिर्फ हजारों फीट की खाई है। मैं खाई के ठीक ऊपर खड़ा हूँ, हवा की सरसराहट दिल दहलाने वाली है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। ये देखिए खाई का नज़ारा, खाई का नज़ारा देखिए आप कितना ज़बरदस्त है। सामने ट्रैम जा रही है, ट्रैम देखिए आप। हम लोग 10,500 फीट की ऊंचाई पे हैं लगभग। पथरीले रास्तों पे ये देखिए ये जीव, ये झींगुर का बच्चा, ये झींगुर यहाँ रहता है। अब हम वापस जा रहे हैं ट्रैम पकड़ने के लिए। ये देखिए खूबसूरत फूल खिले हैं। आपको मैं एक टिड्डा दिखाता हूँ। ये टिड्डा जब उड़ता है तो अजीब तरीके की आवाज़ करता है और अजीब तरीके। ये देखिए इसकी आवाज़ कितनी अलग है। वापस जाने की तैयारी नीचे। ओके, अब हम वापस जा रहे हैं। 1955 में यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें पायलट के साथ लगभग 16 लोग मर गए थे, इसी पहाड़ी से टकराया था वो। बहुत दूर जो गाड़ियां दिख रही हैं वहां से आ रहे, और जो एक टावर आगे आ रहा है वो टावर नंबर 1 है। टावर 1 के पास अब हम लोग पहुंच रहे हैं। जब टावर के 50 feet, जब टावर के पास निकलता है तो स्विंग, यानी ऐसे हिल रहा है कि नहीं, झूले की तरह। हिल रहा है झूला की झूले की तरह। तो हम लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम पहाड़ से नीचे आ गए हैं और ऊपर हवा का दबाव कम होता है, इसकी वजह से ये पानी की बोतल पिचक सी गई है। अभी मैंने इसको बैग से निकाला और ये पिचक गई है। तो दोस्तों ये था पूरा टूर सैंडिया पीक का। अब हम नीचे आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूर अच्छा लगेगा, मेरे वीडियोस अच्छे लगेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोस और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल पीकेएस प्यारी ज़िंदगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।